বঙ্গ ব্রিগেড ছাড়া প্রথম দিনই অলিম্পিকে নামছেন এমন কয়েকজন ভারতীয় তারকা যাদের উপর পদক জয়ের ভরসা দেখছে ভারতীয় ক্রীড়া মহল। সানিয়া মির্জা, প্রার্থনা থোমরের সঙ্গে প্রথম দিনই জুটি বেঁধে নামছেন সানিয়া মির্জা। মহিলাদের ডাবলসে প্রথম রাউন্ডের বাধা টপকাবে সানিয়া প্রার্থনা জুটি, আশা টেনিস মহলের। সানিয়া, রিও অলিম্পিক গেমস কে লিয়ে কিস তরহ কা প্রিপারেশন হ্যায় আপকা অর পুরে দেশ আপকে লিয়ে দুয়া কর রহা হোগা জব অলিম্পিক গেমস মে আপ हिस्सा लेंगी, तो किस तरह का प्रिपरेशन है? आई थिंक मैं ये हमेशा से कहती आई हूँ कि ओलंपिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज टेनिस प्लेयर्स हमारा हमेशा ख्वाब होता है कि हम जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करें और ट्राई करें कि एक मेडल जीते, लेकिन आई थिंक ये दूसरे स्पोर्ट्स की तरह काफ़ी सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो जिसके पास टाइम ज़्यादा होता है टू प्रिपेयर एक टूर्नामेंट के लिए, जो शायद यू नो अगस्त या सितंबर में होगा, उसके लिए वो जनवरी में प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। हम वैसे नहीं कर सकते इन टेनिस, हमें वीक इन एंड वीक आउट खेलना पड़ता है, चाहे वो ओलंपिक्स के वीक के पहले हो या ओलंपिक्स के वीक के बाद में। तो प्रेपरेशन वैसी होगा जैसे हर टूर्नामेंट का होता है। जीतू राय, प्रथम दिन 10 मीटर पिस्तौल इवेंट नाम से जीतू राय आश्विक एक पदक इवेंटे उत्तर पावा जावे शनिवार गभीर राते। मेरा बहुत अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है। मैं अभी करंटली मैं वर्ल्ड रैंक नंबर वन हूँ फ्री पिस्टल में। मेरा दोनों इवेंट एकदम मेन इवेंट में है। मेरा 10 मीटर में 2014 में वर्ल्ड नंबर वन हुआ था और 50 मीटर वर्ल्ड नंबर वन हो, और दोनों साथ साथ में बराबरी है। कोई मेरा ऐसा नहीं कि ये मेन इवेंट है ये साइड इवेंट, मैंने दोनों बराबरी है। भारतीय हॉकी दल, পুরুষদের হকি দল নিয়ে ইতিমধ্যে আগ্রহ তুঙ্গে ক্রীড়া মহলে। লন্ডন অলিম্পিকের ব্যর্থতা ভুলে অল্টম্যানসের দল এবার চাইছে নজর কাড়া পারফরমেন্স দেখতে। প্রথম ম্যাচে এদিন আয়ারল্যান্ডের মুখোমুখি হবে সিচেশের হকি দল। এছাড়াও টেবিল টেনিসের শরৎ কমলের মতো তারকা থেকে শুটিংয়ে অপূর্বী চন্দিলা, গুরপ্রীত সিংহরাও নামছেন প্রথম দিন লড়াইয়ে। ফলে উদ্বোধনের পরই ভারতের ক্রীড়াপ্রেমীদের পদকের জন্য নজর রাখা শুরু হয়ে যাবে। এবিপি আনন্দ।